मैडम, इसके पहले डायरेक्ट नाइट जिस समय हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट नाइट रेशन मैडम, इसके पहले हमने दो एपिसोड आपको बताए। आपको सलाह है कि कोई चीज सीखने के लिए अगर जल्दी से आप सीखना चाहते हो तो वह जल्दी ही गायब भी हो जाएगी, अस्थाई होगी। लेकिन कोई चीज अगर आप समझ करके सीखते हो, थोड़ा उस पर टाइम वेस्ट करते हो, तो यह आपकी जिंदगी भर के लिए पक्का होगा। यह आप केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, यह आपको ज्ञान दिया जा रहा है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन अगर आप कंसंट्रेट होकर के शुरू से, जब से डायरेक्ट नाइट दो एपिसोड इसके पहले हो चुके, जिसमें हमने आपको असर्टिव सेंटेंस के 3 पॉइंट के बारे में बताया, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब हो गया, कंजंक्शन हो गया, टेंस हो गया, अब हम पॉइंट क्लियर करने जा रहे हैं क्या पर्सन। यह दोनों बताया था रिपोर्टिंग वर्ग की चीज है और यह दोनों रिपोर्टेड स्पीच की चीज है। यह दोनों तो हर टेंस में बदलती रहेंगी, लेकिन यह दोनों जो आप सीख रहे हो यह पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लागू रहेगी। टेंस के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब आज चौथा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं बेटा, पर्सन। यह जो आपके सामने बना है यह पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट है। क्या पर्सनल प्रोनाउन इसको बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, क्या लिखा देखो, पर्सन सब्जेक्टिव रूप, ऑब्जेक्टिव पोसेसिव। पोसेसिव के दो रूप है बेटा, एडजेक्टिवल और प्रोनाउन के। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 पर्सन बेटा। आई और वी को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है, यू और दाऊ को सेकंड पर्सन कहा जाता है, थर्ड पर्सन सभी हैं, ही सी इट दे, राम श्याम मोहन सुमन सीता गीता काऊ एलिफेंट, ये सब क्या हैं? थर्ड पर्सन में है। ठीक है, इसके अब ये रूप हैं सब्जेक्टिव आदित्य पे। आई का रूप है आई मी माई माइन, वी अस आवर आवर्स, यू यू योर योर्स, दाऊ दी दाई दाई, ही हिम हिज हिज, सी हर हर हर्स, इट इट इट्स इट्स, दे देम देयर देयर्स। इसके पहले इधर देखो, इसी के बारे में हम अब पर्सन से, लड़का गलती करता है यहीं पर, लेकिन पाठक स्टाइल में कोई चूक नहीं होगी, कभी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, यहां लिखा बेटा यस ओ एन, यस माने सब्जेक्ट, ओ माने ऑब्जेक्ट, एन माने नो चेंज। 123, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। फर्स्ट पर्सन क्या है देखो, ये पूरा फर्स्ट पर्सन है, यह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन यह बेटा, यह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और यह पूरा जो बचा है यह है थर्ड पर्सन, यह बदले, इसको नो चेंज करेंगे, इसको बदलने की जरूरत नहीं। अब एक वाक्य हम लेते हैं और आपको समझाते हैं करना क्या है। जैसे कहा बेटा, यह वाक्य शी सेड टू मी आई डू नॉट नो योर एड्रेस, इस पर हमको 4 काम करना होगा। क्रमानुसार चलते हैं और देखो वाक्य खट्स बनेगा बेटा, कितने काम करने हैं? 4 काम। अब बताइए बेटा यह साधारण वाक्य है कि नहीं? साधारण वाक्य है। तो नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब बोलो, सेट टू को किस मतलब में करता है? टोल्ड में, तो बना सी टोल्ड मी, एक काम हो गया। कंजंक्शन बोलो क्या लगाए? दैट, 2 काम हो गया। उचरा फुचरा गायब, मतलब आमा कामा गायब। अब नंबर 3 क्या है देखो, 1 काम हो गया, 2 काम हो गया, 3रा काम क्या है? टेंस। दिमाग लगा बेटा कौन सा टेंस है बोलो,
वेरी गुड, पास्ट टेंस है बेटा, यह अब कसम खिलवाए भाई, यह पास्ट, यह भी पास्ट, यह पास्ट है। यहां कर्ता के ठीक बाद जो क्रिया आ रही है उसकी कौन सी फॉर्म करोगे? पास्ट फॉर्म। तो डू का पास्ट क्या हो गया बेटा? डिड। तीन काम हमने कर लिया क्रमानुसार, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब, कंजंक्शन और टेंस। अब बारी बची है किसकी? पर्सन की। इसको समझा, किताब में क्या लिखा है? किताब में लिखा है बेटा कि रिपोर्टेड स्पीच, देखो अभी किताब के पास बता रहे हैं, पाठक शायद थोड़ी देर बाद बताएंगे। रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार चेंज होगा। अगर रिपोर्टेड वर्ब में, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन है, क्या बेटा? सेकंड पर्सन है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार चेंज होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन कहीं है तो उसको बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह नहीं बदल जाएगा। यह किताब की भाषा है। क्या लिखा किताब में? If there is first person in the reported speech, that will be changed according to the subject of the reporting verb with the care of person number and gender. If there is second person in the reported speech, that will be changed according to the object of the reporting verb with the care of person number and gender. If there is third person in the reported speech, That will not be changed. यह किताब में लिखा है। तो लड़का दुनिया भर का परेशान हो जाता है। अब पाठक स्टाइल शुरू करें, कसम से दिमाग कंसंट्रेट करोगे, गुड। पहले एक चीज समझ लो, वाक्य का कर्ता यह है, सब्जेक्ट यह है, ऑब्जेक्ट यह है। सब्जेक्ट इसको कहते हैं और ऑब्जेक्ट इसको कहते हैं। यह बात समझा गई? अब पाठक स्टाइल चलने जा रही बेटा, शॉर्ट कट में सुनो। रिपोर्टेड स्पीच में जो भी पर्सन मिले, जो भी पर्सन मिले, कोई पर्सन ला, क्या मिला बोलो, आई, उसको इस चार्ट में खोलना। ये चार्ट आपको रट जाएगा, परेशान हो, जितने दिन पाठक पढ़ाएंगे अपने आप रट जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन है तो उसको इस चार्ट में खोजना। खोजा कहां है? ये लिखा बेटा, जहां पे है, यहां यहां यहां, पूरे चार्ट पे चाहे जहां है, मिल गया, उसके ऊपर इसे चढ़ जाना, चढ़ गए, एक खड़ी लाइन नीचे तक खींच देना, खींच दिया। देखो आई कट गया कि नहीं? कटे बहुत सारे, लेकिन तुम्हारे काम की चीज कट गई कि नहीं? अब यह आई कट गया, यह देखो बगल में यह कौन सा पर्सन है, बोलो, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? सी। सी पर कलम रखो, रखा प्लास्टिक की चड्डी में, और अब भाई साहब प्लास्टिक वाली, अरे यार टीवी प्रचार आता है, पत्नी पति के साथ पत्नी जो है चड्डी खरीदने जाती है, अच्छा तो तू चुप रहो भाई, भाई साहब प्लास्टिक वाली, तो बेड़ी लाइन खींच दिया बेटा, क्या? जहां पर दोनों लाइने चुम्मा ले रही हो, कहां चुम्मा ले रही बेटा? एक लाइन ये है, दूसरी ये है, चुम्मा कहां है? चौराहे पर, तो चौराहा कहां बना? ये देखो ये बना ना, तो अब यहां आई की जगह क्या हो जाएगा? सी। डेड नॉट नो, मिला क्या? फिर प्रश्न ला, कहा कि जो भी पर्सन मिले, मिला, जो भी पर्सन मिले उसको इस चार्ट में खोज करके ऊपर से खड़े रहे, योर कट गया, अरे योर कट गया ना, बगल में देखो यह कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है? मी। मी को इस शार्ट में खोजो, खोजा, ये खोज गया, जहां पर मिल जाए वहीं से लास्टिक की चड्डी बनाओ, मतलब बेड़ी लाइन। चौराहा देखो कहां बना? चौराहा। कहां दोनों लाइनें चुमा ले रही है? माई पर, तो यू की जगह, योर की जगह क्या हो गया? माई एड्रेस। कभी वाक्य गलत होगा ही नहीं। सी टोल्ड मी दैट सी डिड नॉट नो माई एड्रेस, पक्का नहीं समझ? एक बात फिर समझो, एक दूसरा वाक्य कहते हैं,
जैसे लिखा बड़ा यह बात है बड़ा रेखा सेड टू रवि कामा इन्वर्टेड कामा आई डो नॉट लाइक योर कंपनी। ठीक है, अब पहले ये डायरेक्ट नेशन है, इसको इनडायरेक्ट बनाने के लिए कितने पॉइंट पर ध्यान दोगे? चार। ये चार पॉइंट आपके सामने लिखे हैं। तो देखिए साधारण वाक्य है ना, अभी हम लोग सेंटेंस सेंटेंस पढ़ रहे हैं, साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य नंबर एक पॉइंट सेट टू को बोलो, बोलो ना रेखा टोल्ड रवि, एक काम हो गया। बोलो कंजंक्शन क्या लगाए? दैट, दो काम हो गया। अब देखो ये कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। तो कसम खिलवाया यह पास्ट, यह भी पास्ट। सावधानी यह रखना कि यूनिवर्सल टू नहीं है, यूनिवर्सल टू थे नहीं, तो यह पास्ट यह भी पास्ट। डू का पास्ट बोलो डेड। तीन काम हो गया, एक काम, दो काम, तीन काम हो गया। अब चौथा है पर्सन, यही समझना बेटा। यहां रिपोर्टेड स्पीच में कोई पर्सन मिला, क्या मिला? आई। तो आई को चार्ट में खोज करके ऊपर से खड़ी लाइन, कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? रेखा। रेखा माने सीख ही, सी। तो सी पर कलम रखो, लास्टिक की चड्ढी, चौराहा देखो। चौराहा कहां बना? कहां दोनों लाइन टच कर रही हैं? कहां चुम्मा ले रहे हैं? सी पर। तो आई की जगह क्या हो गया बेटा? सी। सी डिड नॉट लाइक। फिर पर्सन ला क्या? योर। योर को चार्ट में खोजो, मिला? ऊपर से खड़ी लाइन, कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? रवि। रवि माने ही किसी, तो ही से लाइन ले जाओ बेटा। और चौराहा देखो कहां बन रहा है? हिज पर बन रहा है। किस पर? हिज पर। तो योर की जगह क्या हो गया? लास्ट में फ्रेश अप बन गया। समझ में आया कुछ करें? अभी नहीं आया तो एक बार फिर ध्यान सुनो, पक्का हो जाए इससे। कहा बेटा? He said to her, come on, come on, I have beaten your brother on the way. यह वाक्य बताइए, यह साधारण वाक्य है कि नहीं है? कितने काम करने हैं? चार। सबसे पहला काम साधारण वाक्य के लिए नंबर एक पॉइंट पोर्टिंग वर्ग का वर्ग, बोलो सेट टू को, ही टोल्ड हर, एक काम हो गया। बोलो कंजंक्शन क्या लगाए? दैट। दैट कंजंक्शन ही क्यों लगाते हैं? नाउन क्लॉज बनाते हैं तत्व के पीछे। उचरा फुचरा गायब, आमा कामा गायब, आधी पिक्चर सोने फिनिश। अभी लेकिन दो काम बाकी है, पूरी पिक्चर तब होगी जब यहां पहुंचोगे। अभी एक काम किया, दो काम किया, आधी पिक्चर सोने फ्रेश, बीच में इंटरवल हुआ, आराम करो। और अभी दो काम बाकी हैं, टेंस और पर्सन। बोलो बेटा ये कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। तो यहां कर्ता के ठीक बाद जो क्रिया आ रही है, सोच रहे जो भी क्रिया आ रही है उसकी कौन सी फॉर्म कर दो? हैव का पास्ट बोलो हैड। तीन काम हो गया। अरे यार, एक काम, दो काम, तीन काम हो गया, अब कुल कितने काम करने हैं? चार। बचा क्या? पर्सन। यहां से यहां तक कोई पर्सन मिला? क्या मिला? आई। उसको चार्ट में खोजो, ऊपर से एक खड़ी लाइन खींचो, खींच दिया। अब यह कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही। फिर से जो भी पर्सन मिले चार्ट में खोज कर ऊपर से खड़ी लाइन, कौन सा पर्सन? फर्स्ट। किसके अनुसार? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही पर कलम रखो, लास्टिक की चड्ढी, चौराहा देखो। चौराहा कहां बना? ही पे। तो आई की जगह क्या हो गया था? ही।
हैड बीटन, मिला पर्सन कोई, क्या मिला? योर चार्ट में खोजकर ऊपर से खड़ी लाइन, कौन सा पर्सन? सेकंड, किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? हर, हर पर कलम रखो, लास्टिक के चड्डे बनाओ, चौराहा देखो कहां बना, यहां बना, तो लगा दो हर ब्रदर ऑन द वे। पक्का? इसके अलावा कुछ अदर सीजन है तो आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, हियर को देयर में, हैंस को देंस में, हाइदर को दाइदर में, कम को गो में, एगो को बिफोर में, टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे को फॉलोइंग डे में। यानी कि इस प्रकार से कुछ अदर चेंजेस हैं, वो जब हम आपको अभ्यास कराएंगे तो बताते रहेंगे, परेशान हो। फिर से एक बार, नंबर एक पॉइंट रिपोर्टिंग वर्क का वर्ड सेट टू को किसने बताया? टोल्ड में। कंजंक्शन क्या लगाया? दैट, यह पास्ट, यह भी पास्ट, यह पास्ट है तो यहां करता के ठीक बाजू क्या उसकी कौन सी फॉर्म कर दिया? पास्ट फॉर्म। नंबर चार, पर्सन ऊपर से खड़ी लाइन, कौन सा पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट क्या है? ही, लास्टिक चढ़ी चौराहा ही, ठीक है, लिखते हुए चले गए। फिर पर्सन ला क्या? योर चार्ट में ऊपर से खड़ी लाइन, कौन सा पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है? हर, लास्टिक के चढ़ी चौराहा, जो शब्द आए वो लगा दिया, ठीक है। इसके अलावा जो और चेंजेस हैं, अन्य अदर चेंजेस हैं, वो आपको अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे, जैसे हियर को देयर में, हैंड्स को देंस में, हाइदर को दाइदर में, कम को गो में, इगो को बिफोर में, टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में, स्टरडे को द प्रीवियस डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे में। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, वो हम पढ़ाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। समझ गए? ओके बेटा।